अगर दोस्तों आप लोग भी एक बेस्ट मिररलेस या फिर डीएसएलआर कैमरे की तलाश करें 2024 के अंदर, तो आज की वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है। अबे क्या बोल रहा है, बिलियन बोल, बिलियन बोल। क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा पांच ऐसे बेस्ट कैमराओं के बारे में जो कि दोस्तों आप लोग 2024 के अंदर देखने को मिल जाएंगे, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना। बाकी दोस्तों मेरी लिस्ट में पहले नंबर का कैमरा आता है पैनासोनिक लुमिक G7। यह कैमरा दोस्तों आप लोगों को सिर्फ 40,000 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों एक मिररलेस कैमरा होने वाला है। इस कैमरे के अंदर दोस्तों आप लोगों को पूरे 16 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों एक 4K मिररलेस कैमरा सेंसर होने वाला है। इसकी मदद से दोस्तों आप लोग इसके अंदर पूरे 4K क्वालिटी की वाली वीडियो को शूट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को 1442mm का एक लेंस भी देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों को 3x की ऑप्टिकल जूम पावर देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों ये कैमरा आप लोगों की फोटोज और वीडियोस के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा, और दोस्तों इसको आप लोग एक बेस्ट बजट मिररलेस कैमरा बोल सकते हैं। इसके अंदर आप लोगों को एक 3 इंच की OLED डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है, जिसको कि आप लोग रोटेट भी कर सकते हैं। और बाकी लास्ट में बात करें प्राइस की, तो ये पैनासोनिक का कैमरा आप लोगों को अमेजोन के ऊपर 42,490 रुपए के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर का कैमरा आता है सोनी अल्फा 6100L मिररलेस कैमरा। इस कैमरे की खास बात यह है दोस्तों कि इसको आप लोग बेस्ट व्लॉगिंग कैमरा बोल सकते हैं। इसके अंदर आप लोगों को 24.2 मेगापिक्सल का एक मिररलेस कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप लोग 4K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को 1650mm का एक पावरफुल जूम लेंस भी देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को APS-C सेंसर देखने को मिल जाता है, और यह दोस्तों एक ऑटो फोकस के साथ आएगा। इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को रियल टाइम ऑटो फोकस देखने को मिल जाता है, और इन दोस्तों आप लोगों को रियल टाइम के अंदर काफी क्वालिटी वाली वीडियो को शूट कर देगा। इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को काफी लाइट वेट भी देखने को मिल जाएगा, और इसके अंदर आप लोगों को एक टच स्क्रीन भी देखने को मिल जाएगी, जो कि पूरे 3 इंच की होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों इस कैमरे की बात करें तो ये सोनी का कैमरा होगा, और इसे आप लोग ब्लॉग वीडियो, यूट्यूब वीडियो और किसी भी तरह की वीडियो को 4K क्वालिटी के साथ वीडियो को शूट कर सकते हैं। बाकी बात करें प्राइस की, तो आप लोगों को अमेजोन के ऊपर 66,980 रुपए के अंदर देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर का कैमरा आता है कैनन M50 Mark II। यह दोस्तों कैनन का कैमरा होने वाला है, जो कि आप लोगों को काफी हैवी डिस्काउंट के साथ देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को काफी लाइट वेट देखने को मिल जाएगा, और ये कैमरा आप लोगों को 4K वीडियो के साथ देखने को मिल जाता है। इसको दोस्तों आप लोग बेस्ट व्लॉगिंग कैमरा भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को वाई ऑटो फोकस के साथ देखने को मिल जाता है, जिससे कि दोस्तों आप लोग अपनी यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम रील वीडियो या फिर व्लॉग वीडियो को शूट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आप लोग अपनी जो यूट्यूब के अंदर लाइव स्ट्रीम करते हैं, उसके अंदर भी आप लोग रियल टाइम के अंदर इसको वीडियो के अंदर यूज कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को 15-45mm का लेंस किट भी देखने को मिल जाता है, और इसके बॉक्स के अंदर आप लोगों को बैटरी चार्जर भी देखने को मिल जाएगा। यह कैमरा दोस्तों आप लोगों को 3 इंच के डिस्प्ले के साथ देखने को मिल जाता है, और इस कैमरे के अंदर आप लोगों को फ्लैश भी देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों ये आप लोगों को लेंस के साथ देखने को मिलेगा, और इसके अंदर आप लोगों को एक डिजिटल जूम कैमरा भी देखने को मिल जाता है। और बात करें प्राइस की, तो ये कैनन का कैमरा आप लोगों को अमेजोन के ऊपर 42,995 के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों हमारी लिस्ट में चौथे नंबर का कैमरा आता है कैनन EOS 200D। दोस्तों ये कैमरा सबसे बजट और सबसे बेस्ट कैमरा होने वाला है, और इस कैमरे को तो दोस्तों मनोज देव जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर भी यूज करते हैं। बाकी इसकी बात करें प्राइस की, तो इसके अंदर आप लोग लास्ट में बता देंगे। बाकी यह कैमरा दोस्तों DSLR क्वालिटी का कैमरा होने वाला है, और इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को 18-55mm का एक लेंस किट भी देखने को मिल जाता है, और यह कैमरा दोस्तों आप लोगों को पूरे 24 मेगापिक्सल के APS-C सेंसर के साथ देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को 3 इंच की एक टच डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएगी, और वाईफाई इनफिल्ड भी देखने को मिल जाता है। और यह कैमरा दोस्तों आप लोगों की वीडियो को एकदम क्लीन वीडियो की रिकॉर्डिंग के साथ शूट करता है। और बात करें प्राइस की, तो फिलहाल के टाइम पे आप लोगों को अमेजोन के ऊपर 61,650 रुपए के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों हमारी लिस्ट में करें पांचवें नंबर के कैमरे की बात, तो वो आता है दोस्तों निकॉन D7500, जो कि दोस्तों फोटोग्राफी और YouTube वीडियो के लिए बिल्कुल परफेक्ट कैमरा होने वाला है। इसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले तो 20.9 मेगापिक्सल का एक डिजिटल SLR कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है, और इसके साथ आप लोगों को 18-140mm का एक VR लेंस भी देखने को मिल जाता है, और इसकी लेंस की क्वालिटी काफी जबरदस्त होगी, और एक कैमरा फोटोग्राफी के अंदर काफी अच्छा होने वाला है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग एक यूट्यूबर हो, व्लॉग वीडियो बनाते हो या फिर फोटोग्राफी करना चाहते हो और उसके लिए कैमरे की तलाश कर रहे हो, तो ये निकॉन का कैमरा डेफिनेटली आप लोगों को जरूर बाय कर लेना चाहिए। बाकी इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को 3 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और इसके अंदर आप लोग 4K तक की वीडियो को अल्ट्रा HD क्वालिटी के साथ शूट कर सकते हैं, वो भी 30fps के ऊपर। बाकी इसके अंदर आप लोगों को एरिया ऑटो फोकस देखने को मिल जाता है, और ये दोस्तों माइक्रो फोटोग्राफी के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट कैमरा होने वाला है। बाकी दोस्तों इसको आप लोग एक ऑलराउंडर कैमरा बोल सकते हैं 2024 के अंदर, तो अगर आप लोग भी 2024 के अंदर एक बेस्ट वीडियो कैमरे की तलाश करें तो इसको आप लोग जरूर बाय कर सकते हैं। बाकी दोस्तों खास तौर पे इसको आप लोग फोटोग्राफी के अंदर ज्यादा यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें प्राइस की, तो निकॉन का कैमरा आप लोगों को फिलहाल के टाइम पे 90,999 के अंदर
देखने को मिल जाएगा अमेजोन के ऊपर। लेकिन दोस्तों ये काफी लॉन्ग टाइम के लिए चलने वाला कैमरा होने वाला आप लोग के लिए, तो इसको आप लोग जरा सोच समझ कर ही लेना। तो बाकी दोस्तों ये थे इसे टॉप 5 बेस्ट मिररलेस एंड डीएसएलआर कैमरा, जो कि दोस्तों आप लोगों को 2024 के अंदर बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी के साथ देखने को मिल जाएंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी दोस्तों अगर आप लोग एक बेस्ट मिररलेस कैमरे की तलाश करें तो नीचे डिस्कशन में एक वीडियो की लिंक दी हुई है, जिसके अंदर आप लोगों को टोटल मिररलेस कैमरा ही देखने को मिलेंगे।